Good morning and welcome everybody, all the listeners, all judicial officers, all lawyers and law students and general citizens of the nation who have continuously followed this channel. आज सभी श्रोताओं का ये विशेष व्याख्यान में स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सभी क्षेत्रों से न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण, विधि विद्यार्थी एवं आम जन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जब से लैंड लॉ सीरीज चला है। गिनती से लेक्चर नंबर 32 तक तो आ गया है, बीच का कुछ कुछ कड़ी छूटा हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे समझेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन लैंड लॉ के संदर्भ में जहाँ से प्रारंभ हुआ था लेक्चर, बहुत सी बातें आ चुकी है, फिर आज उसको नए परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कुछ पुरानी बातें को हमको यहाँ पर दोहराना पड़े, जो आज का विषय है उसको समझाने के लिए। और इधर कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जमींदारी उन्मूलन कब हुआ, कहीं का वेस्टिंग रिटर्न 52 दिखता है, कहीं 53 दिखता है, कहीं 55 दिखता है, कहीं 57 दिखता है, वो क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सब बहुत सारा प्रश्न आ गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का व्याख्यान जो है, आप ऐसा समझिए कि ये व्याख्यान जमींदारी उन्मूलन से है। और ये व्याख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि अब बीटी एक्ट का लेक्चर समाप्त हो गया है, लैंड लॉ के संदर्भ में जो मुख्य कानून था बिहार काश्तकारी अधिनियम, अब जमींदारी उन्मूलन हुआ और उसके बाद जो कानून बना बिहार लैंड रिफॉर्म्स, उस पर चर्चा करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के ऊपर चर्चा करने के पहले ये जो व्याख्यान है बीटी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स बीच की कड़ी को जोड़ने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको सब लोग अच्छी तरह से सुनिएगा। अगर एक बार भी समझ में नहीं आएगा तो बार बार इसको सुनिएगा और आपका जितना भी प्रश्न आया है सभी लोगों को उस प्रश्न का हल मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था, जब लैंड लॉ का हिस्ट्री शुरू किए थे तो उसमें बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शासन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल रेगुलेशन बना था 1793 में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, इसको कि बाद में बंगाल कोर्ट कहते थे, और इसी के द्वारा रैयत जमींदार को परमानेंट सेटलमेंट हुआ, यानी कि पूरा हक जो जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से दिया गया। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जो बंगाल, पुराना बंगाल था, उस बंगाल के जो बंगाली नवाब जमींदार वगैरह थे उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और बाद में वो बंगाल से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर वाराणसी और कुछ मद्रास के हिस्से तक भी गया था। तो उत्तरी भारत में ये रेगुलेशन फैल गया, वो उसी के हिसाब से जमींदार लोग काम करते थे। बाद में एक कानून लाया अंग्रेजों ने, उसका नाम था चार्टर एक्ट, वो 1833 में आया। तो इस प्रकार पहली बार जो भूमि के धारक थे, जो भूमि जोतते थे, जोतने वाले किसान या कृषक या खेतीहर जो भी थे, उनको एक अधिकार दिया गया। और जो पुराने समय में माने 1793 के पहले जमींदार लोग जाति करते थे और उनका शोषण करते थे, वो सबको समाप्त करने का प्रयास किया गया इस कोड में, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम यहाँ से लेकर के अपने देश इंग्लैंड वापस जाएं। तो अपने फायदा के लिए अंग्रेजों ने ये बंगाल कोड बनाया और बाद में चार्टर एक्ट बनाया,
और ये व्यवस्था चलते रही, उसमें तरह तरह का प्रावधान बनाया, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसको फिर यहाँ पर दोबारे बताने की और करने की आवश्यकता नहीं है। वो धीरे धीरे करके वो कानून बनते गए। तो सबसे पहले उसने बनाया बंगाल कोड जो 1793 का था, उसके बाद उसने बनाया बंगाल लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट रेगुलेशन, ये 1822 में बना। फिर बना बंगाल रेगुलेशन 1825 में बना। उसके बाद तब बना चार्टर एक्ट 1833 में बना। फिर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बना 1847 में। तब बना बंगाल एलुवियन लैंड सेटलमेंट एक्ट, ये 1858 में बना। फिर बंगाल एलुवियन एंड डिलुवियन एक्ट, ये बना 1847 में। फिर बंगाल सर्वे एक्ट उसके बाद आया, जिसके बारे में बता चुके हैं सर्वे एक्ट के बारे में, 1875 में। उसके बाद बना बंगाल लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1876, ये भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि जमींदारों का हक निहित रहता था। उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट बना 1885 में। तो इतना सारा कानून बना करके अंग्रेज भूमि से उत्पन्न जिस भी प्रकार की आय होती थी, अगर पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा से जो फल फूल के रूप में मिलता था, पत्ता के रूप में मिलता, जो जमीन से घास से लेकर के उपज फसल जो भी होता था, या जमीन के नीचे से जो भी कंदमूल निकलता था, या अगर नदी है तो उसमें मछली वगैरह जो होता था, अगर तालाब है तो उसमें सिंघाड़ा पालन होता था, या मखाना का खेती होता था, जिस प्रकार का भी उससे उत्पत्ति होती थी, जो प्रोड्यूस होता था भूमि से जो निकला हुआ चीज, जो उपज कहते हैं, वो सब पर उसने कर लगाया था, और अलग अलग तरीके से वो सब वसूल करता था जमींदार के जरिए, जमींदार रैयत से, रैयत से जमींदार लेता था और अंग्रेज को देता था। हालांकि उसके पहले रैयतों की स्थिति बहुत खराब थी, तो कुछ हक जो दिया गया उसी परमानेंट सेटलमेंट से, जमींदारी सिस्टम से। और ये भी बता चुके हैं जब हिस्ट्री बताए थे कि लगातार उसके बाद से 1915 से ही किसान जागरूक हुए और लगातार आंदोलन हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में होते रहा, और अंततः ऐसी स्थिति आ गई कि आज़ादी के पहले से ही ये समझ में आ गया अंग्रेजों को कि अब तो हम शासन ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, छोड़ करके भागना पड़ेगा। तो जमींदारी के समाप्ति के बारे में और कोई नया सिस्टम लागू करने के बारे में भी सोच जगी थी। तो उस सोच में बिहार प्रोविंस सबसे आगे था। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके अच्छी व्यवस्था बनाने का मतलब है कि जो व्यक्ति भूमि के रखवाला था, भूमि का देखभाल करता था, जो तो आबाद करता था, श्रम से उसमें पैदा करता था, उसी का अधिकार सीमित था, और दूसरे के दया दृष्टि पर था, उसको तरह तरह से तंग किया जाता था। इसलिए ये व्यवस्था वो भूधारी के हित में नहीं मान करके इस प्रथा को, यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये सब ये कहानी कई बार एक घटना है जिसके द्वारा मैंने बताने का भी प्रयास किया था, और आज भी ये बता देते हैं। कई बार लोग पूछे हैं जुडिशियल एकेडमी में लेक्चर के दौरान भी जब प्रसंग आए हैं वहाँ भी बताए हैं, हाई कोर्ट में 2-3 केस में बहस के दौरान ही प्रसंग आया था तो वहाँ भी बताए हैं, और लैंड लॉ के हिस्ट्री जब बता रहे थे तो शायद वहाँ भी कुछ डिटेल नहीं तो हल्का फुल्का इसके बारे में जरूर बताते हैं कि छोटी सी घटना है जो माननीय उच्च न्यायालय के न्याय कक्ष में बहस के दौरान हुई थी, उसका फिर से हम संदर्भ लेते हुए सभी श्रोताओं का उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं और उसमें अपने राज्य के बारे में थोड़ा गौरव भी महसूस कर सकते हैं। एक बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय से माननीय न्यायाधीश जस्टिस बीपी वर्मा वहाँ से तबादला होकर, यानी कि ट्रांसफ़र होकर उच्च न्यायालय पटना में
कार्यरत हुए। तो पहला दिन उनके कोर्ट में बहुत से वकील लोग गए ये देखने के लिए कि नए जज साहब हैं कैसा काम करते हैं, अमूमन ऐसा होता है। तो काफ़ी भीड़ थी कोर्ट में, खचाखच भरा हुआ था, वकील लोग ज़्यादातर थे। कुछ उस समय इतना नहीं था, लाइसेंस बना करके अंदर पास बना के ही जाना पड़ता था, तब कुछ मुंशी और कुछ मौकी लोग भी थे, लेकिन वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और पहला जो केस था वो सेकेंड अपील था, जो दीवानी मैटर होता है सेकेंड अपील हाईकोर्ट में, वो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। और दोनों पक्षों के जो वकील थे बहस करने के लिए खड़ा हुए, वो दोनों वकील 80 वर्ष से ऊपर के और जाने माने सिविल के अच्छे अधिवक्ता थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, अंग्रेजी में उसका सारांश यही है कि ये द्वितीय अपील निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जो दायर किया गया है, वो वस्तुतः विवाद शुरू हुआ था कि एक पुत्र ने अपने पिता के विरुद्ध ही बंटवारा का मुकदमा लाया था और उसी में जो फैसला हुआ निम्न न्यायालय का, उसके विरुद्ध में हाँ हम द्वितीय अपील दायर की। तो जज साहब ने कहा कि तब तो आपका अपील चलेगा ही नहीं, बेटा को बाप के जिंदगी में बंटवारा का मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं, हम आपका केस डिसमिस कर दें। तो अचानक जो ऐसा जज साहब ने, अभी बहस शुरू हुआ था, दो चार लाइन ही उन्होंने कहा था, उनका जवाब आ गया जज साहब का, और वो इस प्रकार से बात कर रहे थे कि अब वो डिसमिस कर ही दें। तो दोनों चूंकि काफ़ी बुजुर्ग थे और उन लोगों को उस समय ये समझ में नहीं आया कि क्या कारण है, दोनों पक्ष के वकील, हालांकि डिसमिस होता है तो विरोधी पक्ष के वकील को तो फायदा होता, लेकिन दोनों के माथे में ऐसी मैंने भावना कौन थी, और जो चेहरे से झलक रहा था कि लगता है कि तो इस तरह का मामला आएगा तो ये कोर्ट में सब डिसमिस हो जाएगा, तो सेकेंड अपील तो चलेगा नहीं, यहाँ तो ज़्यादातर उसी तरह का मुकदमा आता। तो कुछ इधर उधर की बातें करने लगे, अनुरोध करने लगे कि नहीं हमारे यहाँ तो यही होता है, इस हाई कोर्ट में यही प्रैक्टिस है, हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो भी न्याय होगा कोर्ट के द्वारा होगा वो तो हम लोग मानेंगे ही, लेकिन ऐसा यहाँ व्यवस्था है। लेकिन जज साहब इस सब बात से कन्विंस नहीं होते, दो चार पाँच मिनट का समय इसी में लग गया। दोनों अधिवक्तागण जो बहुत वरीय थे, वो कोर्ट को एक तरह से तरह तरह से अपना संदर्भ दे करके प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं ऐसा होता है, यहाँ हो आ रहा है, यहाँ ही परिपाटी है। लेकिन जज साहब के दिमाग में ये बात कहाँ से आई, वो दोनों अधिवक्ता महोदय को समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए वो डायरेक्ट उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि उनको हम संतुष्ट कर दें तब आगे फिर बहस हो। तो इसीलिए क्या हुआ, हमारा केस उन लोगों के केस के पाँच चार पाँच केस पीछे था, हम पीछे के रो में बैठे हुए थे, तो हम खड़ा हो गए। अमूमन हाई कोर्ट में आज भी और पहले तो ज़्यादा डिसिप्लिन था, कोई भी अधिवक्ता किसी दूसरे केस में अनायास खड़ा होकर के बीच में कुछ नहीं बोल सकता, या कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, जब तक कि जज साहब स्वयं किसी अन्य अधिवक्ता से पूछे। ऐसा होता है कभी कभी कि दूसरे अधिवक्ता जो मौजूद होते हैं उनसे भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, खास करके वहाँ पर जहाँ पर कि कोई कन्फ्यूज़न हो और दोनों वकील के अलावे किसी तीसरे वकील के ओपिनियन की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर कानून के बिंदु पर पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, ये जज साहब का विशेषाधिकार है। लेकिन किसी अधिवक्ता का विशेषाधिकार नहीं है कि बहस के दौरान वो अनायास बीच में आ जाए। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में आ गया था कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो सवाल जज साहब के दिमाग में कहाँ से आया, चूंकि उत्तर प्रदेश से आए थे और उत्तर प्रदेश का जो लैंड लॉ है और बिहार का, उसमें कुछ भिन्नता है। वहाँ पर क्या है कि अगर कोई पिता रैयत है और कृषि भूमि उसके पास है तो उसका बंटवारा पिता के जिंदगी में पुत्र नहीं करा सकता, इसलिए कि रैयती राइट को डिक्लेयर कराने के लिए वहाँ पर तहसीलदार के यहाँ केस करना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग का जो कानून है उसमें पिता का जो रैयती राइट है वो पुत्र को अपने आप प्राप्त हो जाता है, जैसे पुत्र पैदा हुआ तो जो अधिकार पिता से उसको मिला उसमें रैयती अधिकार भी उसको प्राप्त हो जाता है, इसलिए हिंदू लॉ के हिसाब से बंटवारा भी कर सकता है। तो ये सिद्धांत वहाँ के कानून का और बिहार के कानून का अंतर हम जानते थे, तो हमारे समझ में आ गया कि ये दोनों अधिवक्ता महोदय जो काफ़ी वरीय हैं और बहुत लिहाज से बहस कर रहे हैं, जज साहब के सवाल के तरफ इनका ध्यान नहीं गया है, दूसरे दूसरे तरफ ध्यान भटका रहे हैं, तो ये मामला अगर उलझ गया
तो दो ही बातें होगी, या तो ये सेकेंड अपील डिसमिस हो जाएगा, तो हम लोग का भी उस तरह का बहुत सारा केस है सेकेंड अपील, तो वो भी हम लोग का भी डिसमिस होगा, क्योंकि जो एक बार हाईकोर्ट जज फैसला किया वो कानून बन गया, रूलिंग माना जाता है उसको, अगला बेंच को उसी को फैसला को मानना है या नीचे न्यायालय को मानना है। तो हमको लगा कि हम इसमें कुछ कहें, तो हमने पीछे से खड़ा होकर के अंग्रेजी में ही कहा, उसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट का आदेश हो तो हम इसमें कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप आगे आइए। तो काफ़ी भीड़ थी और दो अधिवक्ता खड़े थे और उनके दोनों के दो दो जूनियर भी थे, तो टोटल 6 अधिवक्ता खड़े थे आगे फ्रंट लाइन में बहस कर, फिर आजू बाजू में भी बैठे हुए थे लोग, तो हमको स्पेस दिया गया, बीच में हम आ गया है। हमने कहा कि वहाँ पर जो भूदारी कानून है रईती राइट डिक्लेयर कराने का, वो बिहार में लागू नहीं होता है। इतना जो हमने कहा तो जज साहब बहुत तेज थे, वो तुरंत समझ गए, उनका जो अंग्रेजी में रिमार्क था, ओ आई सी यू आर गाइडेड बाई बंगाल टेनेंसी एक्ट, कहने का मतलब था वो अब हम समझ गए कि आप बंगाल टेनेंसी एक्ट से गाइड होते हैं। तो हमने फिर पलटवार किया कि नो माई लॉर्ड, इट वॉज अर्लियर बंगाल टेनेंसी एक्ट, नाउ इट इज बिहार टेनेंसी एक्ट, बट ये एक्ट इज द सेम, ओनली नेम हैज बीन चेंज। मैंने हमने कहा कि नहीं, वही एक्ट है लेकिन सिर्फ नाम बदल गया, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए हैं कि 1934 में इसका नाम बदला गया था बंगाल से, हालांकि राज्य तो अलग हो गया, राज्य बन गया आपके ये 1911 में ही राज्य बन गया था बिहार राज्य, तो कानून में तब्दीली आया 34 में। तो जब मैंने ऐसा कहा तो जज साहब ने कहा, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आई सैल्यूट दिस बिहार हु हैज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने उनका उद्गार था कि हम बिहार को सलाम करते हैं क्योंकि बिहार राज्य के वजह से ही संविधान में पहला संशोधन किया गया। तो उन्होंने ही कहा, तो उसी के प्रत्युत्तर में हमने कहा कि ये तो सही है, कोर्ट का कहना सही है, लेकिन हम लोग पूरे बिहार राज्य के लिए एक और गर्व की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य था जिसने जमींदारी उन्मूलन का पहल किया, और ये पहल 1947 में ही किया गया था। तो जब मैंने ऐसा कहा तो जज साहब रिएक्ट कर गए कि नो हाउ दिस कैन हैपन, जमींदारी वाज एबॉलिश्ड इन 1950 आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहने का तात्पर्य था कि जब संविधान बना, यानी कि पहले आजादी मिली, आजादी मिली कब 1947 में सब लोग जानते हैं, तो 47 की आजादी सही में मिली कि नहीं मिली इस पर भी हमारा दो व्याख्यान है। इसमें लिखा हुआ है संविधान की रोचक बातें पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके पहले एक है इंडिया इन इंडिपेंडेंस डे, इसलिए आम श्रोता लोग से ये अनुरोध है कि वो लेक्चर को जरूर सुने। तो पहला इंडिया इन इंडिपेंडेंस डे जो है उस लेक्चर का हेडिंग अंग्रेजी में है, उसमें इस बात को मैंने बताया है डिटेल में कि 1947 में वस्तुतः आज़ादी नहीं मिली, वो ट्रांसफर ऑफ पावर था, आज़ादी बाद में मिली है, 1949 में आज़ादी मिली है और 50 में कंस्टिट्यूशन बना। तो इसीलिए जमींदारी उन्मूलन का कानून पूरे भारत में संविधान बनने के बाद बना, लेकिन बिहार अग्रणी राज्य था जिसने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया। तो इसके बारे में जब हम उनको बताने लगे कहानी तो जज साहब बहुत खुश हुए, और उसके बाद वो सेकेंड अपील का बहस सुना गया और लगातार फिर बहस वो सुनते रहे और अच्छा अच्छा जजमेंट दिए और बहुत तेज जज थे। और उसके वजह से ऐसा हुआ कि उनके कोर्ट में जब भी मैं खड़ा होता था तो हमारी बात पर बहुत ध्यान देते थे और वो समझते थे कि कानूनी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और उसी हिसाब से वो हमारे पक्ष में भी फैसला करते गए। जितना केस बहस किए कभी कोई मेरे विपक्ष में कोई फैसला नहीं किए,
हालांकि सब केस भी अच्छा था और अच्छे से हमने प्लेस भी किया। तो ये तो घटना हुई, लेकिन इस संदर्भ में ये घटना बता रहे हैं, ये सच्ची घटना है, दी बिहार एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट। आप सभी जानते हैं कि एक्ट बनता कैसे है, पहले बिल आता है, अगर राज्य में बनाना है तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यहाँ कानून बनता है, तो यहाँ पर यहाँ के जो MLA हैं वो लोग बिल लाते हैं, और अगर भारत सरकार के पार्लियामेंट में अगर बनता है वहाँ पर यूनियन में, तो वहाँ पर MP लोग बिल लाते हैं। अब बिल पर डिस्कशन होने के बाद जब उस पर मोहर लग जाता है, पास हो जाता है बिल, तो वो एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद वहाँ राष्ट्रपति का उस पर सहमति होता है, और राज्य में गवर्नर का सहमति होता है, तब वो कानून होता है, कानूनी मान्यता होती है, उसका जब वो गजट में निकलता है तब वो लागू माना जाता है। तो बिल का तारीख अलग हुआ, बिल पर बहस चला, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 1 महीना, तरह तरह का बिल है चला, बिल पास हो गया, पास होने के बाद एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद सहमति मिली राज्य में गवर्नर की या देश में प्रेसिडेंट की, उसके बाद गजट में निकला, राज्य गजट में या भारत सरकार के गजट में, तब वो लागू समझा जाएगा। तो इतनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो सबसे पहले 47 में बिल आ गया, तो इसी पर वो जैसा थोड़ा भड़क गए थे, हम उनको पूरा कहानी बताएं कैसे क्या हुआ था, बाद में वो कहानी सुने, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। कहानी सुनने के बाद हमसे उन्होंने कहा कि आप लिख करके पूरा डिटेल हमको दे दीजिए, तो हम स्लिप पर लिख करके और सब किताब का रेफरेंस भी उनको दे दिए, उससे भी बहुत प्लीज हुए। तो ये बिल आया था 47 में, उसका नाम रखा था दी बिहार एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट। ये पास हुआ 1948 में, और इसमें क्या लिखा हुआ था, एक लाइन लिखा हुआ था कि जमींदारी इज हियर बाई एबॉलिस्ड, माने जो जमींदारी प्रथा है वो समाप्त किया जाता है। बहुत छोटा एक पन्ने का वो एक्ट था, जिस एक्ट का नंबर पड़ा था उस समय 48 में, और भी एक्ट पन्ने थे, तो उसका नंबर था एक्ट नंबर 18 सन 1948। इस पर तत्कालीन जो गवर्नर थे, राज्यपाल महोदय, उन्होंने दिनांक 6/7/1949 को अपनी सहमति दी थी। तो सहमति दी थी तो जमींदार लोग का जमींदारी चला गया। अब सोचिए, जो जमींदार राजा था उस इलाके का, छोटा जमींदार था तो अपने छोटे इलाके में राजा था, और जो बड़ा जमींदार था, तो जैसे नालंदा जिला में अमामा राज बड़ा राज थे, गया जिला में टेकारी महाराज बड़ा राजा थे, और झारखंड में अभी जो है रामगढ़ में रामगढ़ महाराज बहुत बड़े राजा थे, उधर कुर्सेला एस्टेट बहुत बड़े थे, उधर पूर्णिया साइड में बनैली एस्टेट था, फिर इधर दरभंगा महाराज बहुत बड़े थे, फिर बेतिया महाराज थे, फिर हथुआ महाराज थे, यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार और राजा उस जमाने में थे, सबको बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभी तक तो वो राजा थे, उनका साम्राज्य था, और एक लाइन के कानून में उनका सारा साम्राज्य समाप्त हो गया, अब उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा, तो जो उनका आमदनी का जरिया था वही समाप्त हो गया, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास उस जमींदारी से जो आमदनी थी उसके अतिरिक्त अगर और कोई सामान उनके पास नहीं था, कोई खेती नहीं थी, कोई व्यापार नहीं था, अगर ऐसे जमींदार रहे होंगे तो उनके लिए तो वही कहना पड़ेगा कि कटोरा लेकर के उनको सड़क पर आना पड़ेगा, उनका इतना शान शौकत, लाव लश्कर, उनका खर्चा, रहन सहन, बात विचार, सामाजिक प्रतिष्ठा, जो भी था, सब पर झटका लग गया। तो इसमें अग्रणी सबसे पहले किसने स्टेप लिया, तो वो दरभंगा महाराज थे, कामेश्वर नारायण सिंह। दरभंगा महाराज ने क्या किया कि उन्होंने एक केस कर दिया, सब जज कोर्ट में केस कर दिया, दरभंगा कोर्ट में, कि ये जो कानून बना है ये कानून गलत बना है, इसको निरस्त कर दिया। और जब वो केस बना, उसके बाद, उसके कुछ ही समय बाद एक दूसरा एक्ट बन गया। एक्ट बन गया, क्यों बन गया, कि दरभंगा महाराज जो केस किए तो वो केस को संज्ञान उच्च न्यायालय ने लिया, उच्च न्यायालय के जज अंग्रेज थे, अंग्रेज ने उनको अपने अधिकार में, उनका था लेटेस्ट पेटेंट जिसको बोलते हैं, उसी अधिकार से उस मुकदमा को यहाँ
ले आए हाई कोर्ट में कि हम यहाँ सुनवाई करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट मुकदमा है और इसमें जमींदारों के अधिकार हित की बात है और सरकार के कानून की वैधता की बात है, तो इसलिए हम यहाँ सुनेंगे। जब यहाँ आया हाई कोर्ट में तो खलबली मची चुकी, एडवोकेट जनरल जो सरकार के बड़े सबसे वकील होते हैं उन लोग को बुलाया गया, उन लोग को उसका नकल दिया गया, सरकार से वार्ता हुई, सरकार के जो और पदाधिकारी थे सब लोग के बीच में डिस्कशन हुआ, तो हुआ कि ये एक्ट में तो कोई प्रावधान है ही नहीं। जब कोई प्रावधान है ही नहीं कि मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, किस आधार पर लेंगे, कैसे किसी के संपत्ति को आप एक लाइन का कानून बना के, ये सब आपस में विचार विमर्श होने के बाद ये निष्कर्ष निकला सरकार के स्तर से कि इस कानून को ही हम लोग समाप्त कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में एक दूसरा कानून बनाया, मैंने फिर बिल आया, अब बिल कानून में बना तो उसका नाम रखा गया द बिहार एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी रिपीलिंग एक्ट 1950। ये बिल आया था 1949 में आया, लेकिन एक्ट बनते बनते 50 हो गया, तुरंत आ गया था। और ये बिल में ये भी एक ही लाइन का कानून बना और एक्ट बना, उसमें लिखा हुआ था कि जो पुराना एक्ट हो गया एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट 1948 उसको समाप्त किया जाता है, यानी हियर बाई रिपील। तो समाप्त हो गया, तो समाप्त होने से क्या हो गया कि जमींदार का जैसे राइट था वो राइट रह गया। इसके अलावे तब सोचा गया, हर जगह संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी और हर जगह ये डिस्कशन हो रहा था हर राज्य में कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, संवैधानिक व्यवस्था लागू की जाए। तो इसके लिए हर स्टेट में मंथन चल रहा था, बिल बन रहा था, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था और डिस्कशन हो रहा था। तो इस पर दो तीन बातें हैं कि जैसे ही वो रिपील हुआ, यानी कि 49 में जो बिल आया रिपील एक्ट करने के लिए, उसी समय एक बिल और लाया गया था, उसका नाम था 9/12/49 को एकदम अंतिम समय में वो आया था, दी बिहार लैंड रिफॉर्म्स बिल 1949। तब पहला बना जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट और दूसरा बना जमींदारी एवोल्यूशन रिपीलिंग एक्ट, माने एक एक्ट बना जमींदारी हटाने का और दूसरा एक्ट बना जमींदारी हटाने वाले कानून को हटाने का। तब तो फिर वही के वही रह गए, तो सुधार कैसे होगा, लैंड का रिफॉर्म कैसे होगा, भूमि सुधार कैसे होगा और रहितों का हक कैसे मिलेगा। तो इसी के लिए बिल आया भूमि सुधार बिल और उस पर डिस्कशन हुआ, तो वो डिस्कशन के बाद एक्ट बन गया। एक्ट बनने के पहले ही ये पटना हाई कोर्ट ने जब दूसरा एक्ट बना तो वो टाइटल सूट को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए डिसमिस कर दिया कि जिस एक्ट को आपने टाइटल सूट में चैलेंज किया है उस एक्ट को सरकार के द्वारा दूसरे एक्ट से निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया या रद्द कर दिया गया, तो आपका सूट में तो कोई जान रहा नहीं, तो मुर्दा हो गया। तो उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था सूट को 24 जनवरी 1950 को इसी पॉइंट पर कि जब वो कानून नहीं रहा तो उसमें गैर गवाही कुछ हुआ नहीं कि सूट अब चलने लायक है कि नहीं। तो ये जो फैसला पटना हाईकोर्ट का है वो कानून के किताब में छपा भी था, उसमें पार्टी का नाम है श्री कामेश्वर सिंह बनाम बिहार प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ बिहार, AIR 1951 पटना 246 पेज में ये फैसला छपा हुआ है जो दो जजों का दिया हुआ है, डिवीजन बेंच उसको बोलते हैं। तब फिर चैलेंज हुआ उसी में उसी के सुनवाई के क्रम में कि जो रिपील करने वाला भी एक्ट बनाया गया जमींदारी एबोल्यूशन रिपील एक्ट वो भी नाजायज है, तो उसको हाईकोर्ट ने उसी फैसला में कह दिया कि नहीं दूसरा एक्ट जायज है, माने पहले जो एक्ट बना वो एक्ट को समाप्त करने के लिए जो दूसरा एक्ट बना वो जायज है। तब एक तीसरा फ्रंट खुल गया, एक और एक्ट इसी बीच में 1948 में बन गया था जो कि 1949 में
पास हो गया, उस एक्ट का नाम था बिहार स्टेट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड टेन्यूअर एक्ट 1949। इसमें क्या कर दिया, उधर तो देखा कि जमींदारी एवोल्यूशन कर रहे हैं, माने जमींदारी ले रहे हैं और बिना कोई शर्त के, न उनको मुआवजा देना है और न कोई सामान देना है, न कुछ सम्मान देना है, कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे समझिए कि आपके पास नोटबंदी का जैसे हुआ ऐलान हुआ कि आज के तारीख से, वो तो उसमें समय दिया गया था बदलने के लिए, कि आपके पास जो भी रुपया है, जो भी नोट है अभी प्रचलन में, सब जीरो हो गया, खत्म हो गया, उसकी मान्यता समाप्त हो गई। तो आपको मान लीजिए लाखों करोड़ आपके पास है, तो आप भिखारी बन गए। तो उसी प्रकार से जमींदारी के में सारा चीज, प्रॉपर्टी उसके पास था, अधिकार था, सब कुछ था, मान सम्मान प्रतिष्ठा संपत्ति आमदनी सब था, सब रात में वो राजा था, सुबह उठा तो फकीर बन गया। तो इसमें सरकार फेल कर गई, सरकार फेल कर गई, चूंकि मुकदमा में तो लड़की सरकार तो हार ही जाती थी, जैसे सरकार अपने स्तर से और अपना जो उसको अधिकार क्षेत्र था उसके हिसाब से वो कानून बना के वो जमींदारी उन्मूलन के कानून को ही समाप्त कर दिया गया। और जब वो समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद क्या हुआ, समाप्त होने के बाद दूसरा कानून बन गया। वो कानून क्या बनाया कि ठीक है जमींदारी आपके पास रहेगा, इसको उसका मैनेजमेंट हम करेंगे। तो मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें कुछ शर्त रखा गया कि जमींदार को कुछ दिया जाएगा ताकि उसका भी हित सधे, उसको भी खाने पीने भर कुछ मिल जाए, और बाकी चीज सरकार को मिल जाए। तो सरकार कैसे चला देगी व्यवस्था, जब अंग्रेज चला गया, आज़ादी मिल गई और यहाँ के हिंदुस्तानियों को सरकार चलाना था तो इसके पास न कागजात था न फंड था, तो कहाँ से आएगा। तो जमींदार के पास कागजात था, जमींदार के पास ही फंड था, पूरा आमदनी जो होता था, और कृषि प्रधान देश है, इंडस्ट्री तो बहुत कम था, कुछ कहीं कहीं इंडस्ट्री जो था प्राइवेट इंडस्ट्री था, उसका भी ज़्यादा फायदा लोग टैक्स के रूप में अंग्रेज ही लेता था। उस समय मील चटकल इस तरह का कुछ छोटा छोटा कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करता था। तो इसलिए ये बना दिया बिहार स्टेट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड टेन्यूअर एक्ट 1949। तो राजा साहब दरभंगा महाराज ने फिर इस एक्ट को भी चैलेंज किया, इसको भी वहीं पर टाइटल सूट फाइल किया था। पहला टाइटल सूट नंबर 1 था दरभंगा में, तो इसका टाइटल सूट नंबर 3 पड़ा। सब जल्दी जल्दी हुआ, 47, 48, 49, इसी 3 साल में सारा धड़ाधड़ हुआ, और 50 में नया कानून जो आया। तो ये केस भी वहां से ट्रांसफर होकर चला आया पटना हाईकोर्ट। यहाँ पटना हाईकोर्ट आया तो ये केस चला गया स्पेशल बेंच में, 3 जज के बेंच में। और इस केस में राजा के तरफ से काफी बड़े बड़े वकील लोग आए और सरकार के तरफ से भी बड़े बड़े वकील लोग रहे, और इसमें पूरा बहस हुआ और लंबा चौड़ा जजमेंट स्पेशल बेंच बना था 3 जज का। तो हाईकोर्ट ने दिया ये कानून को हाईकोर्ट के फैसला से निरस्त कर दिया गया। ये जो जजमेंट है वो रिपोर्टेड है AIR 1950 पटना 392, 3 जज का है स्पेशल बेंच का। इसमें भी पार्टी का नाम है सर कामेश्वर सिंह, उनको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, चूंकि महाराजा थे, बड़े राजा थे, तो सर नाइट ये सबका उपाधि दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा जमींदार लोगों को, खान बहादुर, दीवान बहादुर, राय बहादुर, सर, ये सब उपाधि था जो अंग्रेज देता था। और एक तरह से वो अपना सपोर्टर हिंदुस्तानी को बना करके रखता था, अपना पिछलग्गू की आंख मूंद करके अंग्रेजों का साथ दे और अंग्रेज अपना मनमानी करते रहे। तो आज के तारीख में उसका कोई अहमियत नहीं, लेकिन उस जमाने में उस उपाधि का बहुत अहमियत था। तो ये फैसला हुआ और इसमें ये कानून समाप्त हो गया। तो सरकार का वो प्रयास खत्म हो गया, जमींदारी एवोल्यूशन बिना शर्त वाला था वो खत्म हो गया, और वो अपने ही सरकार को खत्म करना पड़ा। और दूसरा जो प्रबंधन का अपने हाथ में लिया था उसको हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। तब तो एक ही विकल्प बना कि संविधान से आधारित जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स बिल आया 49 में और वो एक्ट बना, तो उसी का नाम है बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। और उसी एक्ट में सारा प्रावधान किया गया है, लेकिन राजा कामेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने पीछा नहीं छोड़ा, उस एक्ट को भी उन्होंने चैलेंज किया था। अब की चैलेंज करने का बात क्या हुआ, अब संविधान तब तक क्या आ गया, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद कामेश्वर सिंह ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया और रिट में ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को चैलेंज किया। वो रिट जो है इनका काफी सुनवाई हुआ उसमें, और सुनवाई होने के बाद
उसमें आधा जीत हुआ राधा का आधा हार हो गया। उस एक्ट का कुछ सेक्शन जो था वो सही रहा, अब कुछ है जो एब्सोल्यूट हो गया, वो था वो जजमेंट आपको पास हुआ, वो भी पार्टी वही थे, कामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, उस समय था प्रोविंस ऑफ बिहार, तो स्टेट ऑफ बिहार हो गया, AIR 1951 पटना पेज 91, ये फुल बेंच था, इसके पहले वाला स्पेशल बेंच था, बाद में ये फुल बेंच बना, यानी कि तीन जजेस का ये बेंच बना ये मैटर को देखने के लिए। तो ये एक्ट जो है 1950 वाला एक्ट जो है वो फुल बेंच ने उसको भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उस एक्ट को ही समाप्त कर दिया कि ये संविधान के कसौटी पर ये कानून जो बना जमींदारी उन्मूलन का है, जिसका नाम रखा गया, एक्चुअली नाम रखा गया लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार अधिनियम, लेकिन उसके पीछे इस एक्ट के पीछे मंशा यही थी कि जमींदारों का जितना भी अधिकार था और उनकी संपत्ति थी सबको एन केन प्रकारेन ले लिया जाए और राज्य अपने अधिकार में ले करके उससे जो आय हो उससे राज्य को प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए, आगे व्यवस्था चलाई जाए, यही उद्देश्य के पीछे ये कानून बना था। और यही उद्देश्य पूरे भारत में हुआ और हर जगह 1950 में ही लगभग कानून बना, इसलिए माननीय जस्टिस बीपी वर्मा महोदय ने जब हमने कहा कि हमने यहाँ 47 में एक्ट बना था तो उन्होंने रिएक्ट किया था और कहा था नहीं 50 के पहले कैसे बनेगा, अब 50 के पहले जमींदारी गया ही नहीं क्योंकि 50 में संविधान आया और संविधान आने के बाद बना कानून तब गया है, तब हमने उतनी कहानी उनको सुनाई तब वो कन्विंस हुए। तो अब क्या हुआ कि जब ये भी नया एक्ट भी समाप्त कर दिया पटना हाईकोर्ट ने, जो AIR 1951 पटना पेज 91 फुल बेंच में रिपोर्टेड है, तब सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया, यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया। लेकिन भारत सरकार के दिमाग में, वहां जो भारत सरकार के वकील थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके दिमाग में था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और कानून समाप्त हो सकता है। तो बहस उन्होंने किया, बहस किया, लेकिन कानून को बचाने के लिए उन्होंने भारत सरकार को एक गुप्त राय दिया, गुप्त राय दिया कि आप संविधान में संशोधन कर दीजिए तभी कानून उच्चतम न्यायालय में बचेगा, नहीं तो जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो फैसला यहाँ बरकरार रहेगा। तो वो जो गुप्त राय था वो माननीय प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो MP के हैसियत से, पार्लियामेंट के मेंबर के हैसियत से, सांसद के रूप में पार्लियामेंट में यानी कि संसद में एक बिल लाए, और बिल क्या था, संविधान में संशोधन करने का। अभी संविधान बना ही था, कुछ ही दिन पहले बना लागू हुआ, और कुछ ही महीने के अंदर उनको उसमें संशोधन करने की मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर बिहार राज्य इसमें आगे निकल जाता तो इसको देखते हुए जितने भी राज्य में भूमि सुधार कानून बने थे 1950 में सभी निरस्त हो जाते, तो ये बहुत चिंता का विषय था। तो राज्य सरकार अगर मजबूत होगी तो राज्य सरकारों का समूह ही तो हमारे संविधान में बना जो यूनियन कहलाता है, यूनियन का मतलब समूह, ग्रुप, कई लोगों का कई चीजों का मिला करके यूनियन बनता है, तो कई राज्यों का जो ग्रुप हुआ वही हमारा भारत देश हुआ, इंडियन रिपब्लिक बना संविधान की व्यवस्था के अनुसार। तो यहाँ जब समृद्ध होगा राज्य और राज्य से जो आय होगी वो भारत सरकार को भी जाएगी, राज्य को भी जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर तो यहीं से सारी सुविधा जो लोग भोगेंगे और उससे जो प्रतिफल होगा उस पर कर के रूप में या लगान के रूप में देंगे, उसी से व्यवस्था चलेगी सरकारी व्यवस्था। और जो राजतंत्र समाप्त हो गया, जमींदारों का जो था एक तंत्र था वो भी समाप्त हो गया, तो अब प्रजातंत्र में प्रजा के लिए प्रजा की सरकार है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, तो प्रजा से ही जो आमदनी होगा उसी से उसकी व्यवस्था होगी। तो इसीलिए बहुत गहन इसको समझदारी के साथ और आनंद फानंद में
पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया गया और वो बिल पास हो गया और संविधान में संशोधन कर दिया गया, तब जाकर के ये कानून सुप्रीम कोर्ट में ठहरा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 यानी कि भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4B और धारा 23(1) को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये गलत है संविधान के हिसाब से। वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया वो भी AIR में रिपोर्टेड है, उसमें लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सर कामेश्वर सिंह AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 252। ये सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक बेंच द्वारा ये जजमेंट दिया गया था, इसमें 5 जज बैठे थे। तब अभी जो अमेंडमेंट आ गया, आने के बाद एक्ट जिंदा रह गया, सिर्फ 2 धारा उससे हटाया गया, तब तुरंत यहाँ राज्य में उसका अधिनियम का उपनियम यानी कि रूल बना, नियमावली इसको कहते हैं, तो उसका बिहार लैंड रिफॉर्म रूल्स 1951 में बना। और जब वो रूल बना और रूल बनने के बाद अमेंडमेंट संविधान में होने के बाद फिर 1953 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में फिर मरम्मत किया गया। अब मरम्मत करने के बाद जो जो कमी पाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसला में जो दिशा निर्देश था और जो उसके आधार पर यहाँ पर विद्वान अधिवक्ताओं ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने समझा, उसके आधार पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में संशोधन किया। तो आज वही लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है जिसके आधार पर हर रैयत का रैती अधिकार अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण है मतलब एब्सोल्यूट है, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सरकार, सरकार का पदाधिकारी किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से रैयत को जो जमीन में जोतने बोने कोड़ने का हक है, उस जो भूमि में रहने का बसने का हक है, मकान में रहने बसने का बनाने का हक है, खरीद बिक्री करने का हक है, उसका बाल बच्चा को जन्म के बाद जो अधिकार उसके धर्म के हिसाब से, अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म के हिसाब से, मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से, ईसाई है तो ईसाई धर्म के हिसाब से, जो उत्तराधिकार का नियम कानून पहले से चला रहा है और उसमें समय समय पर जो भी संशोधन हो रहा है उसके अनुसार सारा अधिकार वो सब रहती भूमि में और रैयत की जो अपनी संपत्ति है निजी संपत्ति में सारा अधिकार निहित है। सरकार ने जो जमींदारी का उन्मूलन किया उसमें जमींदार के अधिकार को ही लिया, लेकिन सभी अधिकार को बिना शर्त के नहीं लिया, बल्कि कुछ अधिकार जमींदार को भी दिया और कुछ शर्त भी लगाया। वो सब सारी व्यवस्था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में है, जिसके बारे में अगले लेक्चर में पूरे डिटेल में बताएंगे और उसी से संबंधित ये आज का ये लेक्चर है, जो आप कह सकते हैं कि आगे वाला लेक्चर का ये पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। तो जो व्यक्ति, जो विधिवेता, जो अधिवक्ता, जो न्यायिक पदाधिकारी इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए समझने में दिक्कत हो रही है किन्हीं को, तो ये दोनों व्याख्यान सुनेंगे और अगर शुरू का व्याख्यान सुन लिए हैं लैंड लॉ हिस्ट्री तो उनके लिए बहुत आसानी होगी और आम जन भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसी क्रम में बहुत सा प्रश्न को भी हम हल कर देते हैं जो आया है। अब जमींदारी जब गई और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद रूल बन गया, सारा कहानी समाप्त हो गया, अब काम शुरू हुआ। तो रूल्स में क्या बनाया गया, तो आप जान रहे थे, सर्वे में बता चुके थे कि जमींदार का जमीन का अलग कैटेगरी था, पब्लिक के जमीन का अलग कैटेगरी था, खेती के जमीन का अलग कैटेगरी था, तो सबका अलग अलग कैटेगरी, उसी में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ सीर, गैर मजरूआ मालिक वो ठेकेदार, गैर मजरूआ मुकर्रीदार, तरह तरह का एंट्री सर्वे में पाया गया, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब ये सब संबंध में सरकार के पास तो रिकॉर्ड नहीं था, तो ही अंचल कार्यालय का निर्माण किया गया, पहले उसका नाम रखा गया ब्लॉक, बाद में उसका नाम बदला और ब्लॉक का जो पदाधिकारी हुआ उसका नाम रखा गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO साहब। उनके पास दोनों अधिकार था, रेवेन्यू का अधिकार और प्रशासनिक अधिकार।
और उसी समय 1947 में ही जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी तो ग्राम पंचायत एक्ट भी बना था। तो जो गैरमजूर वो आम जमीन था वो ग्राम पंचायत एक्ट में निहित हो गया, तो ये व्यवस्था चला गया उधर। और अगर म्यूनसिपैलिटी जहां था तो म्यूनसिपल एक्ट पहले से बना हुआ था, तो म्यूनसिपल एक्ट में जो आम जमीन था जैसे रोड है, नाला है, सड़क है, नहर है, गली है, ये सब म्यूनसिपैलिटी के अंदर चला गया था जो पब्लिक यूटिलिटी का था। तो बाकी बच गया जो जमींदार का पर्सनल था, उसका कचहरी था, गोला था, मिल था, फैक्ट्री था, सिनेमा हॉल था, इस तरह का जो कुछ कुछ जमींदार को था, उस सब के बारे में व्यवस्था की गई कि उसका मुआवजा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर क्या अधिकार रहेगा। बाकी जो रैयत का राइट था वो एब्सोल्यूट हो गया, सारा राइट उसको मिल गया। अब जमींदार लोग गड़बड़ी ना करें इसके लिए जमींदारों के ऊपर कानून में प्रावधान किया गया रूल में कि हर जमींदार जमींदारी उन्मूलन के बाद अपने जमींदारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितनी भी उसके पास व्यवस्था थी उसका पूर्ण ब्यौरा एक प्रपत्र में फॉर्म बना हुआ है इतना दिन के अंदर सरकार के यहाँ जमा करेगा। वो प्रपत्र में क्या था कि किस तौजी में उसकी जमींदारी थी, किस थाना नंबर, किस मौजा में जमींदारी थी, उसका उस तौजी में कितना हक हिस्सा था, उसके परिवार के कितने लोग हिस्सेदार थे, वो अकेला था या और भी लोग थे, उसके जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत कितने रैयत थे, उस रैयत के पास कितनी जमीन थी, कौन सी जमीन थी, उसका कितना लगान लगता था, किस जमीन क्या थी, बकास जमीन कितना था, खुदकास जमीन कितना था, जीरात कितना था, सीर कितना था, कामत कितना था, उसमें नदी, पहाड़, चौर, जंगल जो भी था, सबका विस्तृत ब्यौरा उसको बोलते हैं रिटर्न जमाबंदी। एक्चुअल नाम उसका है वेस्टिंग रिटर्न, माने जमींदारी उन्मूलन के समय जमींदार के ऊपर कानूनी बाध्यता दी गई कि आप ये दीजिए। उसका दो पर्पज था, वो कानून के हिसाब से जो रिटर्न जमींदार ने दिया उसी के ब्यौरा से ही सरकार ने अपना रिकॉर्ड तैयार किया कि हाँ इस जिला में इतना सबडिवीजन है और इतना सबडिवीजन में इतना ब्लॉक है, इस ब्लॉक में इतना सर्किल है, हल्का है, और इतना हल्का में इतना थाना नंबर रेवेन्यू विलेज है, और इस विलेज में इतना गांव या टोला है, ये सब सरकार के पास रिकॉर्ड उसी से पता चला। दूसरा पता चला कि किस गांव में एक थाना नंबर में कितना रैयत है, रैयत का नाम भी रिटर्न जमाबंदी में है, और उस रैयत के पास कितनी जमीन है, तो उसी के आधार पर जो ब्लॉक में कर्मचारी हुआ और सर्किल इंस्पेक्टर जो बोले अंचल निरीक्षक उस समय कहलाते थे, तो वो तैयार किया, खाता पुस्तिका तैयार किया और उसी को पंजी दू कहा गया, रजिस्टर टू, उसमें सब एंट्री किया गया और उसको जमीन पर जाके समझा बुझा कर्मचारी, उस रजिस्टर पर जो लिखा उस रजिस्टर का नाम है बुझारत रजिस्टर। तो इस प्रकार सरकार के पास अभिलेख उपलब्ध हो गया। दूसरा है कि जमींदार की आमदनी कितना होता था, उसी आमदनी के हिसाब से जमींदार को क्षतिपूर्ति दिया गया। तो क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या हुआ, हर जमींदार को नोटिस गया और नोटिस जाने के बाद उसके नाम से एक केस दर्ज हुआ, उसका क्षतिपूर्ति केस नंबर, कंपनसेशन केस नंबर कहलाता है। वो सब रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है, कहीं कहीं शिकायत मिलता है कि नहीं है, और उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया। जिस जमींदार का एक अंचल में जमीन था तो उसी अंचल में उसका केस चला, जिसका दो अंचल में था तो DCLR के यहाँ चला, जिसका दो जिला में था तो जिला कलेक्टर के यहाँ चला, या और कई जिला में था तो कमिश्नर के यहाँ चला। अलग अलग जमींदारों का अलग अलग तरीके से केस चला और जमींदारी उन्मूलन का कानून तो बन गया, लेकिन उसी में प्रावधान किया गया था कि जब सरकार सरकारी गजट में ये प्रकाशित करेगी कि अमुक जमींदार की जमींदारी इस तिथि से समाप्त की जाती है, ये सरकार की बाध्यता थी। तो इसीलिए अलग अलग जमींदारों का अलग अलग क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन की तिथि अलग अलग पाई जाती है। आज बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर जमींदारी तो 55 गया तो 57 का रिटर्न कैसे आ गया, ऐसी बात नहीं है। पर सबसे पहला जब 50 में एक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ गया तो बड़े जमींदारों का 52-53 के साल में कुछ बड़े जमींदारों की जमींदारी गई, उसके बाद 53-54, फिर 54-55, 55-56, 56-57,
तो इतना साल में अलग अलग जमींदारों का अलग अलग जमींदारी गई, इसको सत्यापन के लिए उस समय का गजट अगर देखा जाएगा तो वो मिल जाएगा। वो गजट जिला में जहाँ पर जिला का प्रेस है वहाँ मिलेगा, नहीं तो बिहार में अभिलेख भवन है वहाँ मिलेगा गजट, या कुछ पुराना लाइब्रेरी जैसे खुदाबख्श लाइब्रेरी वहाँ भी गजट मिलेगा, या जिला स्तर पर पुराना लाइब्रेरी है वहाँ भी गजट मिलेगा। बहुत से जिला में पुराना बकालतखाना है, बकालतखाना में भी गजट रहता था वहाँ भी मिलेगा। तो गजट असेंबली में भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जो हम लोग का यहाँ विधानसभा है वहाँ भी बहुत सारे पुराने गजट है, वहाँ तो सारे सारे सभी मिलेंगे, वहाँ कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ भी मिलेगा। तो अगर कोई दर्ज देखना चाहे तो बहुत सारी जगह है जहाँ से मिलेगा। और वो कंपनसेशन जमींदार को मिला, अगर जो जमींदार ने समय पर रिटर्न नहीं दिया तो उस पर क्रिमिनल केस भी चला, कुछ लोग को सजा और फाइन भी हुआ, यही प्रावधान था उसमें। देर होने पर प्रतिदिन फाइन लगाने का प्रावधान था, तो इतना कड़ा प्रावधान बनाया गया था कि बाध्य होकर हर जमींदार को समय पर रिटर्न देना पड़ा ताकि सरकार के पास सारा चीज आ जाए। तो अलग अलग समय में जमींदारी उन्मूलन से संबंधित गजट प्रकाशित हुआ और उसके हिसाब से धीरे धीरे कार्य बढ़ते गया। और बाद में अब उसका विवाद अगर होता है तो हमेशा जमींदार का क्या अधिकार था, रैयत का क्या अधिकार था, इसको देखने के लिए अब हमारे पास जो कानून है वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है और लैंड रिफॉर्म्स रूल्स है। उसके बाद भी और सरकार अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कानून बनाए, जो इस धारावाहिक व्याख्यान में आगे के कड़ी में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि ये जो व्यवस्था थी जमींदारी की वो समाप्ति पूर्ण रूपेण हो गई। तब क्वेश्चन रहा, उसके बारे में ही लोग कई बार पूछे हैं कि जमींदारी बॉन्ड क्या होता है, कंपनसेशन कैसे मिलता था। आज किसी जमींदार का बकाया है, जैसे मैं खुद अपना जमींदारी का कंपनसेशन का बॉन्ड लिया, कम से कम तो जा करके 56 में मेरी जमींदारी गई थी तो उसका बॉन्ड मैंने लिया मेरे ख्याल से 85 वगैरह में, 85 या 88 वगैरह में लिया। तो उसमें प्रावधान था कि सरकार तुरंत जमींदार को मुआवजा देगी जितना रुपया, मान लिया हमको 1 लाख रुपया सरकार को देना है तो या तो सरकार 1 लाख रुपया हमको तुरंत दे, अगर तुरंत नहीं देती है तो ऑप्शन भी था उसमें, जमींदारों से भी पूछा जाता था कि आपको हर महीने इतना रुपया दिया जाएगा, उसका प्रावधान बना हुआ था। तो उतना रुपया का मनी ऑर्डर भी आता था, तो हमको याद है कि कुछ मनी ऑर्डर से भी हम लोग कई तौजी में जमींदारी थी, तो कुछ तौजी का जो जमींदार उन्मूलन के बदले में क्षतिपूर्ति का राशि मनी ऑर्डर के जरिए भी प्राप्त किए थे, ये हमको याद है। तो मनी ऑर्डर से भी भेजा गया, एक मुश्त भी कहीं कहीं छोटे जमींदार को दिया गया और बाकी लोग को, ज्यादातर लोग को जमींदारी बॉन्ड दिया गया एक बॉन्ड के रूप में, जैसे LIC वगैरह कराते हैं तो एक बॉन्ड पेपर मिलता है, तो उसी तरह का बॉन्ड पेपर था जिसको जमींदारी बॉन्ड। आजकल तो कम मिलता है, बड़े बड़े शहरों में कहीं मिलेगा, यहाँ भी पहले पटना गया में भरमार था बाजार में, हर जगह लिखा रहता था जमींदारी बॉन्ड यहाँ खरीदा बेचा जाता है। तो कुछ लोग ये व्यवसाय कर लिए थे, व्यवसायी लोग जमींदार से जमींदारी बॉन्ड खरीदते थे और जमींदारी बॉन्ड खरीद लेते थे, हमको पैसा, मान लिया कि हमको जमींदारी बॉन्ड मिला तो आज बॉन्ड मिला तो उसका भुगतान का तिथि 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल कुछ ऐसे निश्चित किया जाता था, जो प्रावधान था उसके हिसाब। तो हमको 30 साल के बाद वो पूरा रकम मिलेगा। उसकी वजह थी कि वो जमींदार को सभी को एक बार अगर सरकार पैसा देती, सरकार का कामकाज कैसे चलता, तो इसीलिए व्यवस्था की गई। अब हमारे पास बॉन्ड है 25,000 का, हमको 25 वर्ष के बाद मिलेगा 25,000 रुपया, तो हम क्या किए, चले गए वो जो बॉन्ड का खरीद बिक्री करते हैं उनके पास, बोले कि हमको बेचना है बॉन्ड कितना में, तो बोलेगा कि तो 25 वर्ष में भजेगा, हम इस बॉन्ड का आपको 10,000 रुपया देते हैं, तो 10,000 रुपया में हमको जरूरत है तो हम 10,000 रुपया आज ले लिया, 25 वर्ष के बाद हम 10,000 रुपया के अगर रोजगार करेंगे फायदा हो जाएगा तो उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो कोई आदमी बहुत जरूरत हो गया मजबूरी में बेचा, कुछ अपने लाभ के लिए बेचा, हम तो स्वयं अपना कोई जमींदारी बॉन्ड नहीं बेचे, हाँ बाद में एक जमींदारी बॉन्ड बेचे थे, लेकिन कई जमींदारों का जमींदारी बॉन्ड जब हम गया में रहते थे तो लोगों का बेचवाए थे और एक आदमी का पटना भी बेचवाए थे, इसलिए भी उसका हमको कुछ अनुभव है जमींदारी बॉन्ड खरीद बिक्री का करते थे। तो वो अभी एक खाली इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत आज के लोग ये सब चीज़ नहीं जानते हैं और तरह तरह के भ्रांति है मन में और पूछते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आम जन लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क करें, अच्छे वहाँ वरीय अधिवक्ता उनसे संपर्क करें, दीवानी वाले से संपर्क करें, सारा कागजात दिखाएं,
तो बहुतों का ये प्रतिक्रिया है कि सर वकील लोग ध्यान नहीं देते हैं, या वकील लोग कागज देख के उस कागज को सही सही समझते नहीं है, सही हम लोग को राय नहीं देते हैं, इसलिए हमारा केस गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मैंने आज इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अच्छी तरह से जमींदारी उन्मूलन के साथ लिए और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई वहाँ तक की कड़ी को जोड़ने के लिए ये आज समझिए ये स्पेशल लेक्चर आज हमने दिया है, जिससे आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, क्योंकि आगे जो लैंड लॉ में लेक्चर आएगा उसको भी समझने के लिए इसकी आवश्यकता है, और पहले की क्या स्थिति थी, वह क्या था, वो कौन सा कागजात था, और विधि विधान में कैसे समय समय पर आम जनता के हित में लाभ हेतु सरकार या सरकारी पदाधिकारी ने कार्य किया और कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें भ्रांति हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, वो सब के बारे में आगे भी बात करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।